मतलब के एक बार को सांस लेनी मुश्किल हो रही है कदम से, कहीं मैं बेहोशी हो जाऊं। ये देखो एक बार भीड़ देखो भाई, भाई बैग बुक टूट गए, बुरा हाल हो गया। उसमें पुरुष नहा रहे थे, बिल्कुल साफ पानी रहा था बहुत पहले, ये महिलाओं का था अलग से। ये देखो भाई असली भक्ति होती है, इंडोलास लगे हैं भाई और ये मेंची लगे मोतक हुआ। मैटर मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। वादे के अनुसार लास्ट लॉक का वादा, पहुंच गए एक और धर्म स्थल पे। आज तो जो है यात्रा भी ऐसी थी ना एकदम खतरनाक, पता लग रहा था कहीं और ही जा रहे हैं, क्योंकि साथ में पेरेंट्स भी आए हुए हैं। देखो भाई मम्मी आई हुई है मेरे साथ में, मम्मी पापा पहुंचोगे शाकुंभरी देवी। और भाई इतनी भीड़ है ना, एक बार भीड़ चेक करो भीड़ एक बार भाई, वेरी भीड़। और अभी पहुंचे नहीं शाकुंभरी देवी में, अभी तो रास्ते मंदिर है एक भूरा महादेव का, यहाँ पे ही हाल है नंगे पैर जाना पड़ रहा है और गर्मी इतनी। अरे भागो भागो भाई भागो, नंगे पैर हल्का हो गया भाई। ये देखो भाई ये भूरा महादेव का मंदिर और भीड़ देखो एक बार, पूरे रास्ते रोड खाली पड़ी थी, यहाँ पहुँचते ही भीड़ मिली, पता नहीं क्या हुआ भाई। वहाँ तक पार्किंग है, हमें वो कहते हैं इवेंट। आज है मदर्स डे और हम अपनी माओ को लेके मेन मार्केट में आए हैं, तो सभी माओ को भाई हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। भाई साहब आज दर्शन करने पड़ेंगे तुम्हें यहीं से, क्योंकि बहुत भीड़ है। आज तुम्हें दूर से करा सकता हूँ दर्शन, खाली दूर से कल रोके। जब यहाँ ये हाल है तो अंदर क्या होगा भाई, शाकुंभरी देवी में अंदर की लाइन देखो, लाइन देखो भाई, लाइन कहाँ तक लाइन लगी हुई। भाई इतनी गहरी भीड़ नहीं देखी मैंने कभी शाकुंभरी देवी में, कसम से बता रहा हूँ, ऐसी भीड़ नहीं देखी मैंने कभी। और मेन बात क्या है, आज ही मेरे अंदर आई है भक्ति, सुबह से कुछ निकाल के रखा मैं, सुबह सोच कर मैं पहले दर्शन करूंगा आराम से फिर खाऊंगा। अब यहाँ के देखा तो यहाँ भीड़ देखो, लेकिन अगर हाल ऐसे ही रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बीच में खाना पड़ेगा पहले, पर नहीं जब इतना रोक लिया तो अब तो उसके बाद ही खाऊंगा दर्शन। जय माता की है क्या? ये देखो भाई असली भक्ति होती है। देखो भाई हाँ जी असली भक्ति वाली पीछे वाली, हाँ जी हमारा हाल खराब इसमें हो रहा है। सोच मतलब हम नंगे पैर निकल पा रहे हैं, वो लेट लेट रेस्ट हो रही है, हर तरफ चल रहा है भंडारा, इसलिए भी भीड़ है आज। एक तो हो गया संडे और ऊपर से पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे तो इतनी भीड़ आई कैसे। ये लड़का इतने ब्लॉग बनाता पता नहीं चल रहा है पापा पापा के साथ बोला नहीं है ना यार, बोला नहीं स्टम वाला, यो ये पापा यो वाला बस स्टम बोल है। और थोड़ा सा पापा का जो काम है उस हिसाब से भी तुमको मैं ज्यादा इसलिए लेता नहीं हूँ, काम थोड़ा वैसा है ना, लीगल काम जो होते हैं बिल्कुल हम इलीगल लोग हैं, हमको पीछे से ऐसे दिखा सकते तो नहीं काफी है, बहुत नहीं काफी है पापा जा रहे हैं। अब फिर से हमारी माता खो चुकी, मैंने सबको बोला है जो जहाँ खो जाए जहाँ गाड़ी लगाइए वहाँ मिलना सीधा। तो वैसे तो मैं VIP दर्शन को सपोर्ट नहीं करता पर आज करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई बहुत भूख लगी हुई है, बहुत देर से दूर से आ रहे हैं यार। वो जो फोन करवाया ना पहले वो ठीक करवा दिया, हाँ पापा ने पहले फोन करके बोल दिया यहाँ पे हैं इंस्पेक्टर साहब, तो आज VIP वाले करूँगा। और ना मैं सच में बता रहा हूँ, मैं सोच के आया था कि कुछ नहीं खाऊंगा और लाइन में रहूंगा तब करूंगा, पर लाइन देख के जो लग रहा हूँ मुझे हाल खराब, देख के गर्मी देख के भूख के हाल, हाँ ऐसा ना हो कि मैं कहीं बेहोशी हो जाऊँ। A few inches later, भाई बैग बुक टूट गए, बुरा हाल हो गया। VIP एंट्री के बाद ही हाल है, VIP एंट्री में क्या सब बुरा हाल था, तुम्हें क्या बताऊँ। फोन गया था बैग के अंदर, मैं फोन बैग के अंदर होगा तो फोन भी जाता, बहुत ही बुरा हाल था भाई, इतनी भीड़ देखी मैंने। पता नहीं बचपन में एक बार आया था तब यहाँ पे लगता है मेल हाउस में आया था तब भीड़ देखी थी, उसके बाद देखा। ये देखो एक बार भीड़ देखो भाई, नेक्स्ट लेवल भीड़। और ये रास्ता मेन वाला, यहाँ से आते तो लगती शाम हो जाती है। हो गया मम्मी, ऐसी भीड़ देखी ना ऐसी हमारे टाइम में हो जाते, मदर्स डे है ना आज, आज मदर्स डे है, आंटी को देखो कितना बड़ा बड़ा बांध बांध के हो रखी है। ये जल्दी जल्दी करती मैं तो भीड़ में कोई जा पता नहीं सही बड़े। 15 minutes later, ओ भाई मम्मी आज तो मानना पड़ गए, आज के दर्शन अलग थे भाई, आज के दर्शन अलग थे, पर अब मानना पड़ेगा आंटी को, आंटी ने पूरा बांध बांध के घुस जा रही आंटी जी अलग से, पार तक पार हो जाते मम्मी के बारे में दिक्कत है ना हमारी थोड़ी सी। ये देखो इसमें से हम घुसे थे इसमें से वापस आए और हाल देखो, एक बार मतलब कि एक बार को सांस लेनी मुश्किल हो रही है कदम से, इतनी भीड़ नहीं दिखी मैंने कभी यहाँ पे शाकुंभरी देवी में।
नेक्स्ट लेवल। अच्छा भाई समय समय की बात है, जब मैं था छोटा, बहुत छोटा था, तो इन सब चीजों को देख के ना फैल जाया करूँ था, बिल्कुल फैल जाया करूँ था मैं, वो बंदूक दिलाओ इनको देख के फैल जाया करूँ था बचपन में। उम्र थोड़ी सी जो है अब बाल सफेद हो चुके दाढ़ी के, लग नहीं रहा, ये देखो बाल सफेद हो चुके दाढ़ी के। अब भाई अगली मंजिल है हमारा ऊपर वाला मंदिर, उसमें लगभग 150 सीढ़ियां हैं, नाम याद नहीं आ रहा, जाके दिखाऊंगा। पापा पहुंच चुके हैं ऑलरेडी वहाँ, पर उससे पहले भाई पेट पूजा वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा वो करा है, मतलब मैं फास्ट वगैरह बहुत कम, पता नहीं मैंने लास्ट फास्ट कब रखा होगा, तो आज मैंने वाली फील ली है और सही बता रहा हूँ इसमें हालत खराब हो गई। जो लोग रखते हैं ना हर हफ्ते, सैल्यूट है भाई तुम्हें। लो भैया मिल गया भंडारा, वैसे तो भोजन भारी मिल रहा है दुकानों पे, पर जो स्वाद भंडारे का आएगा वो कहीं नहीं आने का, इसलिए हो जाए थोड़ी सी डाल दो, भंडारे वही तो बात है, खाने में स्वाद ही आता है। अच्छा भंडारे का फायदा ये है, ताजा खाना मिलेगा उनका, पता नहीं कैसा है रखा हुआ मिल रहा सही बात। कद्दू मिल जाता कहीं से, मजा आता है, सबके हरी डिमांड, कहीं कद्दू मिल जाता है, मिल जाते हैं। एक तो भंडारे मिल रहा लोगों को, उसमें भी चाहिए आलू पराठा प्याज पराठा, असली फील भंडारे की है भाई, जब तक इसमें ना बैठो नीचे पत्थर में ना खाओ, अच्छा मजा लगे। अब मजा आया, ये पूछ रहे कि हलवा दो, मगर रुक जाओ अभी जगह नहीं है, क्योंकि अब खाऊंगा प्रॉपर वो बना के थाली। हाँ भैया भैया आप, अब खाऊंगा प्रॉपर वो बना के थाली। ओए होए होए बा भैया, बाबा शुक्रिया, बा बढ़िया जी, बाबा शुक्रिया, जय माता दी, जय प्रसाद है मानने वाली बात है भाई। जा भाई ये बताओ भैया आप कहाँ से हो? भैया सुहानपुर से हुई, तो ये जो भंडारा मतलब आज हो रहा है या फिर होता रहता है? भैया डेली होता है, हाँ वो डेली चलता है, कभी नहीं रुकता, सही में डेली डेली मतलब सुबह से और शाम तक। जी जी जी, आप संडे है थोड़ा आज ज्यादा चलेगा, और यहाँ पे जी जो गौशाला है इसमें कम से कम 9 भंडारे चलते हैं अलग अलग, जो भी भक्त आएगा ऐसा नहीं बुकिंग बैठ चला जाएगा, बिल्कुल नहीं कभी भी। तो भाई देखने वाली बात ये थी कि भंडारे चल रहे हैं ऐसे 9, कोई भी भक्त भूखे बैठ नहीं जाएगा, ये बात मानने वाली है, भंडारे चल रहे हैं 9 सही बात है। हर तरफ चला भाई, हर तरफ मतलब ये तो बाहर वाले जो लोग लगा रहे हैं, और अंदर चल रहे हैं 9 भंडारे, 9 जो यहाँ पे रोज होते हैं। भैया आप चलते हैं एक बार जरा ऊपर तक, एक मंदिर ऊपर है, मैं यहाँ पे आज तक नहीं गया, मेरा नाम है छिन्नमस्ता देवी, मनसा देवी, तो मैंने कहा आज तक कभी गया नहीं था, एक बार जरा यहाँ भी देख के आए क्या मैटर है, यहाँ तक मैं भी नहीं गया है ना, तुम नहीं गए ना इसलिए, जबकि हमेशा यहाँ तक गए, यहाँ पे नहीं गए कभी। हर जगह शूट करना मना होता है, क्या करें, जितना ठीक है अच्छी बात है, अच्छी बात है, वरना अगर सब कुछ यहाँ देख लोगे तो तुम आने के लिए ना आओगे कैसे फिर, सही बात है, और बाकी रास्ते में पता ये तो लगा रखे ना कई वाले ना, अच्छे लग रहे हैं देखने में, शेर माता रानी ऐसी वहाँ भी है, ये तो माता रानी ही है आज के जमाने की माता रानी, उनके पास शेर तो है ही, एक हमारा भी है ऑफ रोडिंग के लिए, हमारा भी है, और सब बड़े खास मुझे करते हो, बोलो शेर वाले भैया की अपने लोग मिल गए, शेर वाले जाओ क्या मिलते हैं दोबारा, अच्छा लगा मिल गया भैया, हो गए दर्शन, मेन बात है अपनी साइड से बहुत लोग आ रखे हैं, ये तो मिले मुझे 30 लोग मिले हैं, पीक टाइम में कार निकालूंगा, पीक टाइम में निकालूंगा, पहले शहर से बहुत सारे लोग आ रखे, प्लस अपने जो सब्सक्राइबर वो भी आ रखे हैं, तो तीसरी फैमिली मिली है मुझे, उनको भी ब्लॉग मैंने लिया था तो अच्छा लगा मिल के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको बहुत सारी ऐप्स के बारे में बताता हूँ जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताता हूँ, इसका नाम है कॉइन DCX, जिसमें आप बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और सबसे सेफ और सबसे अश्योर्ड प्लेटफॉर्म जो हमारे इंडिया में फिलहाल है वो है कॉइन DCX, जहां पर अगर आप साइन अप करोगे जाकर अभी तो आपको इनफैक्ट 100 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा स्टार्टिंग के लिए, और जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन इज द फ्यूचर, तो बिटकॉइन बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर्ड एक इन्वेस्टमेंट है, और सबसे मेन बात अगर आप अनजान हो कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे चीजें काम करती हैं, तो आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर एक डेमो वीडियो मिलेगी जिसके थ्रू आप आराम से इजीली सीख सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो इसका लिंक डाल रहा हूं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ और जाकर साइन अप करो और पाओ 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री, और वहां से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अब भाई बात क्या होती है कि शाकुंभरी देवी तुम अगर आओ तो शाकुंभरी देवी के दर्शन ऐसे पूरे नहीं होते, पहले जाना होता है जो शाकुंभरी देवी वहां पे, उसके बाद जहाँ गए थे ऊपर मंदिर पे वहाँ जाना होता है, उसके बाद इसी रोड पे निकलते हुए जब उल्टा निकलेंगे लगभग 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 2 किलोमीटर आगे मंदिर पड़ता है माँ बंगलामुखी का, जो ये मंदिर है सिद्धपीठ मंदिर है माता श्री बंगलामुखी देवी जी का, माँ पीताम्बरा अनुष्ठान केंद्र,
और ये जो है देवी, इनका फेवरेट कलर है पीला, इसलिए आपको पूरा मंदिर हर चीज दिख रही होगी पीले पीले कलर की। शत्रुनाश का, शत्रुनाश, अच्छा, और सब कुछ यहाँ पीला है ना? सब कुछ पीला है, इनका नाम पीताम्बर, पीताम्बरी, अच्छा, पीला ही पसंद है, माता के दर्शन कर लो। और यात्रा जो कंप्लीट होती है वो यहाँ पे भी नहीं होती, इसके बाद जाएंगे देवन, देवन में जो देवी माँ की एक छोटी बहन है जिनका नाम है माता बालसुंदरी देवी, तो वहाँ पे जाएंगे तब जाके पूरी ये यात्रा है वो कम्प्लीट होती है। ठीक है जी, समझे समझे तुम? क्या तुम्हारे दिमाग में कभी था कि कभी यहाँ पे भी रुकूंगा? नहीं नहीं, मेरा सीधा बस टारगेट होता है जाओ मेन माता जी के दर्शन करो अभी अपने घर पहुँचो। आज बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि आज जो वकील साहब हैं हमारे, तो एक प्रशांत पंडित जी हैं हमारे साथ, पापा, हाँ, पिताश्री जी, तो आज जो है उनके शरण में चल रहा है, जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताई सब चीज़ें कि यहाँ आए हो तो भाई यहाँ पे तो आने आना है, उसके बाद तुम्हारे दर्शन पूरे होंगे। उठना था उसमें थोड़ा सा घी कम रह गया था, कह लगे उसको पूरा भरो, ऐसे ही नहीं के साथ साथ चलने लगा कि ओम धर्म कहिया जा, मैं सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारूपी वंदना, भक्ति करनी है तो अच्छे से करो फिर, हाँ करेक्ट, ऐसे भक्ति नहीं होनी। पिताजी मेरे जो है बहुत ही भाई, तुम्हें मैंने कभी उनको ब्लॉग में दिखाया नहीं क्योंकि एक तो उनका मन भी नहीं आने का प्लस उनका काम वाम की वजह से, बट अगर तुम्हें दिखाऊंगा ना तो वो अपने काम के अलावा घर में दिन में अगर 24 घंटे हैं तो अगर वो 10 घंटे सो रहे हैं, 10 भी क्या 8-9 घंटे, और बाकी अपने काम पे हैं तो बाकी के बचे हुए घंटे सिर्फ पूजा करते हैं पापा, सिर्फ पूजा। A few inches later. लो भाई अपडेट ले लो एक नई कि देवबंद बालासुंदरी मंदिर जस्ट पहुंचे हैं अभी, मेरा तो हाल खराब सो रहा है कि मैं सोया भी नहीं था इसे और ड्राइव कर रहा हूं तब से, बट यहां पहुंचते ही अपडेट मिली है अपनी चल रही है क्योंकि मैं सोया बहुत कम था यार रात, पर देवबंद पहुंचते ही अपडेट है भाई मेरा लगा हुआ है इस मेले में बचपन में, हनुमाइश हनुमाइश तो हमारे शहर में बोलते हैं, मेला ही बोलते हैं इसको बालासुंदरी मंदिर के बाहर। ये देखो इस मेले में इतना घूमूंगा बचपन में, तो किसी को मेले के मजे लेने हो भाई, कोई अपने शहर से मुजफ्फरनगर से भी है तो यहाँ आ जाओ घूमने, 15 मिनट का रास्ता है बस, और क्या आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा मैक्सिमम। हिंडोलाज, हिंडोलाज लगे हैं भाई, उधर भी एक है ऊपर और ये मेन चीज लगे मौतक हुआ, तो इनके मजे लेने हो तो यू कैन कम हियर, बाकी हम चलते हैं बालासुंदरी दर्शन करने, जैसे कि हमारी यात्रा पे लगे पूर्ण विराम। आज भीड़ हर जगह है भाई, शाकुंभरी देवी में तो खैर आपने देख लिया पर यहाँ भी कम भीड़ नहीं है, यहाँ तो खैर मेला भी लगा हुआ है ना तो भीड़ अच्छी खासी है। देखो ये है यहाँ पे पॉन्ड, बहुत बड़ा पॉन्ड है और इसमें बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बाबर बचपन वाली बात क्योंकि मेरा ननिहाल है तो मैं बहुत आया हूँ यहाँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा ही ये पैदा होते हैं कमल के फूल, पेड़ जड़ जो भी बोलेंगे, मतलब यहाँ पे होता है भंडारा, यहाँ पे यहाँ भंडारा चलता है, एक बार मैं छोटा सा था यहाँ भंडारा करा था हमने, मुझे देखते याद आ गया, ये देखो यहाँ मगरमच्छ भी है, मतलब फेक मगरमच्छ, अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा माता, इसलिए यहाँ पहले भोग लगता है और यहाँ भंडारा होता है, यहाँ से लेके वहाँ तक भंडारा होता है हमेशा। आज भी वो दिन में हम लेट हो गए आने में, वरना बचपन में एक बार छुट जाते मुझे छोटा था मैं तब कर आया था हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया था तब, मैं यहाँ से वहाँ भागा फिर रहा था क्योंकि बचपन में काम क्या होता है बच्चों का, कुछ भी फंक्शन हो रहा हो घर पर, कुछ भी पूजा पाठ हो रही है, बच्चों का काम है भागना। जो पहले हुआ करता था स्नान के लिए, स्नान के लिए ना पुरुष नहाने थे, बिल्कुल साफ पानी रहा था बहुत पहले, ये महिलाओं का था अलग से कि जनाना पर सब गंदा हो गया, लेकिन अब कोई कुछ नहीं रहा ना नहाता ना कुछ, उधर पानी की बोतलें पड़ी है भाई, पानी की बोतलें, हाँ वही ना, ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, वहाँ नहाते थे सारे मर्द और यहाँ पे सारी औरतें, पर अब तो हाल खराब है भाई, लगे आप तुम्हें दिखाते हैं एरिया में सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति आफ्टर शायद शुक्रताल, हाँ तो है हमारे शुक्रताल जितनी बड़ी होगी, अभी दिखा दो एक बार के कितना बड़ा कर, भाई साहब आज का दिन तो मतलब खतरनाक, बहुत खतरनाक हेक्टिक, और जो आपने देखी हनुमान जी की प्रतिमा इसका साइज है 32 फीट, ऑल दो शुक्रताल वाली और बड़ी है पर ये भी कम नहीं है, और भाई इसी के साथ इस दिन को और इस यात्रा को यही लगाते हैं पूर्ण विराम। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों को, रिश्तेदारों को, दुश्मनों को भी दिखा दो जिससे कि उनके भी दर्शन हो जाए माता रानी के। आपसे मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम और जय माता दी। खड़े मेरे भाई यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई, मिला शहर से प्यार भरू खून से सिखाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।